भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की जनता को गुमराह करने का काम किया। अपने नाम से हेमंत सोरेन ने पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली और भारत सरकार द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी हैं। अपने फायदे के लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अविलंब बसंत सोरेन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह जी और इस पत्रकार वार्ता में सभी प्रेस से आए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के साथी। मैंने 28 दिसंबर को 28 फरवरी को मैंने ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर कुछ सवाल उठाए थे। इस संदर्भ में सत्ताधारी परिवार की भक्ति में लीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने प्रेस के माध्यम से लोगों को गुमराह कर सच पर पर्दा डालने का काम किया, जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर आज भी 8 करोड़ रुपया बकाया है। और एक एडीसी के अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर अवैध माइनिंग आज भी पकुड़िया में पत्थर का हो रहा और बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये पूरी मैं जिम्मेदारी पूर्वक यह आरोप सरकार पर लगा रहा हूं। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि 8 करोड़ रुपये बकाया है कि नहीं, अवैध माइनिंग हो रहा कि नहीं। उस ग्रैंड माइनिंग कंपनी में कौन पार्टनर है ये संथाल परगना का बच्चा बच्चा जानता है। और ये सिर्फ अवैध माइनिंग नहीं, लाभ का पद, क्योंकि जो पार्टनर है सत्ताधारी परिवार का एक जनप्रतिनिधि भी है। और उस सरकारी लीज में लाभ का पद बनता है, इसलिए अविलंब बसंत सोरेन जी की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। स्वयं त्याग पत्र दे, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लाभ का पद का मामला बनता है। बड़े मियाँ तो एक कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबान अल्लाह। आज का संवाददाता सम्मेलन का मुद्दा बहुत गंभीर है। यह मामला अमानत में खयानत का है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उन्होंने रांची जिले के अनगढ़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से
खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। उपयुक्त खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए श्री हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक 615/M दिनांक 16/6/2021 द्वारा पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति के आशय का पत्र LOI विभाग ने जारी कर दिया। जिला खनन कार्यालय द्वारा पत्रांक 106 दिनांक 10/7/2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी गई और उसके बाद श्री हेमंत सोरेन ने दिनांक 9/9/2021 को सिया को आवेदन भेजा गया। स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया द्वारा दिनांक 14/18/2021 को संपन्न 90वीं बैठक में पर्यावरण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई, जिसका कागज मेरे पास, दोनों का कागज मेरे पास है, जो आप सबको भी सुपुर्द की जाए। अब यह मामला मुख्यमंत्री जी द्वारा या कार्य गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मंत्रियों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(d) के तहत आपराधिक कृत्य है। केंद्र सरकार का यह कोड ऑफ कंडक्ट केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों पर भी लागू होता है। चूंकि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद को पिछले 2 साल से ज्यादा समय से संभाल रहे हैं और सरकारी सेवक के रूप में आते हैं, यह आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जिसके अंदर खान विभाग है, वही विभाग खान पट्टा की स्वीकृति के लिए सैद्धांतिक सहमति का पत्र LOI जारी करता है, जिला कार्यालय उनकी खनन योजना को स्वीकृत करता है, उनके अंदर का एक विभाग पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा भी देता है। यह भ्रष्ट आचरण का अकट्य प्रमाण है। यह अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग है, जो कि धारा 7A भ्रष्टाचार निरोधक कानून अंतर्गत दंडनीय अपराध है। श्री हेमंत सोरेन जी का उपयुक्त कृत धारा 169 IPC का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने जिस जमीन की माइनिंग लीज पर दी है वह सरकारी संपत्ति है और मुख्यमंत्री एक सरकारी सेवक है, इस नाते उनका लीज लेना गैर कानूनी है। श्री हेमंत सोरेन जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191A का भी उल्लंघन किया है। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आदमी नहीं कर सकता, अतः हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा लीज देना सरकार का कार्य करना है, अतः धारा 9 के तहत श्री हेमंत सोरेन को डिसक्वालीफाई करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी भारत सरकार के द्वारा जारी कोड ऑफ कंडक्ट के भी दोषी है। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता, फिर भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरकार चलाते हुए अपने नाम से व्यापार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी द्वारा जनता के विश्वास एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन किया। जनता की भलाई करने की जगह श्री हेमंत सोरेन जी खुद की भलाई में लगी हुई, ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। हम यह सब जानते हैं कि लोक राज्य
लोकराज से चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोकराज छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। लेकिन अब उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है, इसलिए यदि उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और एक अंत में एक कविता कहते हुए, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुफाविज है, कातिल ही सिपाही है। धन्यवाद। इसके पहले पूरे भारतवर्ष में कहीं है या नहीं कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई किया है? हमें लगता है कि देश का, जो मेरी जानकारी के अनुसार, झारखंड ही पहला राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यापार कर रहे हैं, तो देश का पहला राज्य। और इस देश में या इस राज्य में हम देखते हैं कि जब जब कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के सरकार बनती, तब तब ये लोग झारखंड को कलंकित करने का काम करते हैं, झारखंड को शर्मसार करने का काम करते हैं। आप सबको याद दिलाऊं, 7-8 में 6-7 में भी इसी तरह कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर किस तरह यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को लूट करने का काम किया था, जिसके कारण स्वयं मुख्यमंत्री भी जेल में थे, अन्य मंत्री भी जेल में थे। वही पुनरावृत्ति इस झारखंड में ये वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार कर रही है। एकदम आपराधिक मामला नहीं, हम लोग इस संदर्भ में जो इस संवैधानिक संस्था के प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही महामहिम राज्यपाल से मिलकर इन सारी बातों को बताते हुए, ये दोनों सत्ताधारी परिवार के जो दोनों भाई हैं, जो सत्ता में रहते हुए, क्योंकि संविधान कहता है जो भी सरकार होती है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी जाती है, लेकिन यहाँ जो सत्ता चल रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस राज्य को हम लोग ने मुख्यमंत्री को सौंपा कि राज्य की प्राकृतिक संसाधन यहाँ के राज्य के दो क्लिक करने, वो खुद ही व्यापार में ली, तो महामहिम राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी मिलकर ये मांग करेगी कि अविलंब इनको डिसक्वालीफाई एमएलए से किया जाए और राज्य के प्राकृतिक संसाधन को बचाया जाए। देखिए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अगर मुख्यमंत्री या ज्ञानी थे तो कम से कम यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जिम्मेदारी थी कि मुख्यमंत्री को बताना कि सर आप लोक सेवक हैं, आप इस राज्य के संरक्षक हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमें लगता है कि यहाँ के जो प्रशासन है वो सरकार के तलवा चाट रहा है। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में झारखंड का भी जिक्र किया है और कहा है कि परिवारवाद झारखंड को भी, इस तरह से पंजाब उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए झारखंड का भी जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ भी परिवारवाद आ रही है और विकास के साथ है। ये जो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो परिवारवादी मैं शुरू से बात को कह रहा हूँ कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये परिवारवाद 26 महीने सरकार को होने जा रही है, जनता के सारे काम बंद है, सिर्फ परिवारवाद का तिजोरी कैसे भरे, अवैध पत्थर से, अवैध कोयला के व्यापार से, अवैध बालू के व्यापार से, ये जो प्राकृतिक संसाधन, जो जल जंगल जमीन हमारी अमानत है, उस अमानत को किस प्रकार ये परिवारवाद, जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। जमीन के मामले में मैं दूसरे बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो जमीन की भी किस तरह लूट हो रही है इस सरकार के संरक्षण में,
ये आगे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें किस तरह सत्ता के संरक्षण में ये जो सरकारी जमीन है किस तरह बंटाधार हो रहा और आप लोग लगातार इसको समाचार पत्र और मीडिया में दिखा भी रहे, तो अगला जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सिर्फ जमीन संबंधित ही है। पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपकी सरकार में जो मोमेंटम झारखंड हुआ था उसमें टॉपी और ये उसकी जांच फिर से जो है एसीबी को सौंप दी गई है, जबकि विधानसभा में इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। नहीं, इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी आज का मुद्दा की गंभीरता को आप समझे। मैं बार बार सरकार से हटने के बाद बार बार कह रहा हूं सांच को आंच किया, 26 महीने हो गए आज तक एक भी दाग ये सरकार नहीं खोज पाई। मैंने 5 साल ईमानदार सरकार दी, ईमानदार प्रशासन दिया, धन्यवाद। सर, पहला चरण का चुनाव यूपी में हो रहा है, क्या कहेंगे आप पहला? नहीं, जिस तरह मैं भी टीवी देख रहा था, जिस तरह वोट का परसेंटेज लोग घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर जो वोट पोल हो रहा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और 4 राज्य में कहीं किंतु परंतु नहीं है, 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। पंजाब में भी अब अपने सहयोगी दल के साथ सरकार हमारी वहां भी मजबूत स्थिति में है। सर, जो अभी जिला है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। नहीं, आज का विषय मैं सिर्फ भोजपुरी और मगही पे नहीं बोलेंगे, आज के विषय पर मैं इतना ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही सॉरी कृपया आप सब क्षमा चाहता हूं, आज के प्रेस एक ही मुद्दे पर था, ये जो सत्ताधारी परिवार के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन जिसे हम रक्षक बनाए वही हमारा भक्षक बनकर जो इस राज को लूट रहा उसी के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।